भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला प्रशासन कांगड़ा तथा भाषा संस्कृति कला अकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में पहली से 8 नवंबर तक जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे त्रिगत कांगड़ा गाटी उत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में पालमपुर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद शांता कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला प्रशासन कांगड़ा तथा भाषा संस्कृति कला अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में पहली से 8 नवंबर तक जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे त्रिगत कांगड़ा गाटी उत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में पालमपुर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद शांता कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर कवि गोष्ठी, कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर भाषा एवं संस्कृति विभाग सहायक निदेशक त्रिलोक सूर्यवंशी ने कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष त्रिगत कांगड़ा घाटी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ नूरपुर में 1 नवंबर से किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हिमाचल का गठन हुआ था, दूसरा कार्यक्रम देहरा में, तीसरा कार्यक्रम कांगड़ा में तथा पालमपुर में चौथा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भाषा एवं संस्कृति विभाग को हमेशा प्रयास रहता है कि नवोदित कवियों, साहित्यकारों को मंच प्रदान करना तथा अपनी संस्कृति संरक्षण और संवर्धन करना। त्रिलोक सूर्यवंशी ने कहा कि 8 नवंबर को त्रिगत कांगड़ा घाटी उत्सव का समापन प्रधानमंत्री के समक्ष एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर किया जाएगा। नाटी में प्रदेश के लगभग 150 कलाकार भाग लेंगे। त्रिलोक सूर्यवंशी जी, सहायक निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश तथा जिला प्रशासन कांगड़ा की ओर से इनके संयुक्त तत्वाधान में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिगत उत्सव 2019 बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ कांगड़ा नूरपुर किला से किया गया 1 नवंबर 2019 को। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हिमाचल का पुनर्गठन हुआ था और कांगड़ा का एक किस्म का जन्म हुआ था। और दूसरा कार्यक्रम हमारा देहरा में हुआ, तीसरा कार्यक्रम हमारा कांगड़ा तकनीकी महाविद्यालय के सभागार में, आज चौथा कार्यक्रम हमारा जो है पालमपुर में किया जा रहा है इस रोटरी भवन में। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त एक शोध पत्र पालमपुर पर आधारित पढ़ा गया और उसके बाद जो है कवि गोष्ठी हुई। भाषा एवं संस्कृति विभाग का हमेशा ये प्रयास रहता है कि नवोदित कवियों, साहित्यकारों, कलाकारों को मंच प्रदान करना, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और अपनी संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करना, कल हमारा कार्यक्रम बैजनाथ में किया जा रहा है, उसमें एक शोध पत्र पढ़ा जाएगा मनीष दीक्षित द्वारा, शिव भूमि बैजनाथ एक ऐतिहासिक धरोहर। और उसके बाद कवि सम्मेलन, साहित्य गोष्ठी भी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो और कांगड़ी धाम भी होगी। आप सभी आमंत्रित हैं। इसके अलावा कितने के कार्यक्रम? इसका समापन जो है माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष होगा। हमारे इसमें 150 कलाकार जो है एक नृत्य नाटिका तैयार की गई है, पूरे हिमाचल प्रदेश से हैं, हर जिला से हैं, एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होगी, उसमें हमारा त्रिगत उत्सव का समापन होगा। और